कैसे आदमी से मुझे मिलवा दिया जिसे फिल्मों का बिजनेस तक पता नहीं है। नहीं, बड़े बड़े स्टारों की फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं। जो मेरे लिए एक फिल्म बनाएगा और मुझे अच्छी लगी तो मैं उसे बैक टू बैक 10 फिल्में बनाने के लिए दूंगा। मैं आपको उस फिल्म में बतौर हीरो ले रहा हूं, आप अपने पैसे लीजिए और घर जाइए। ये रहा साइनिंग अमाउंट, 10,000 रुपए। मैंने आपको सबसे डायरेक्टर नियुक्त कर लिया। ये लीजिए 5,000 रुपए। और हमारे जो लोकल टैलेंट है ना गुलफाम कली, उसको एज अ हीरोइन साइन कर लीजिए। आप बोल सकते हैं शाम तक मुझे स्टोरी बोर्ड चाहिए। सर लेकिन इस टाइप की फिल्मों में स्टोरी बोर्ड बनते नहीं है। इस टाइप से क्या मतलब? आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, करेक्टर पे ध्यान दीजिए, रोल पे ध्यान दीजिए। आप हमें आपकी फिल्म में रोल काहे नहीं दिए? पर भाभी जी अगर आप इतना इसरार कर रही हैं तो मैं आपके लिए भी एक बढ़िया सा किरदार लिखूंगा। सक्सेना जी, सक्सेना जी, सक्सेना जी। हम बस ये जानना चाह रहे थे कि दरअसल हमारा कैरेक्टर क्या है। भैया सच कहूँ तो आपका कोई कैरेक्टर है ही नहीं, आप बहुत ही गिरे हुए जलील वाहियात किस्म के कैरेक्टर हैं। आई लाइक इट। अरे हमें हमारे फिल्म के कैरेक्टर के बारे में बताएं। अच्छा अच्छा, आप फिल्म में अपने कैरेक्टर की बात कर रहे हैं जी। ऐसा भी है कि इस फिल्म में आपका बहुत ही गिरा हुआ लीचड़ बहुत ही घिनौना कैरेक्टर है आपका। अरे यार कैसा कैरेक्टर है? ऐसा है भैया कि आपका जो ये कैरेक्टर है ना, ये इतना कमीना कैरेक्टर है कि आज तक दुनिया में कभी भी किसी ने इतना कमीना कैरेक्टर नहीं देखा होगा। अरे यार फिल्म में हमारे कैरेक्टर के बारे में बताइए ना यार। अरे भैया जिस कैरेक्टर का कोई कैरेक्टर ही ना हो उस कैरेक्टर का भला क्या कैरेक्टर हो सकता है, इसलिए बेहतर ये होगा कि आप अपने घर जाइए और अपने कैरेक्टर पर पूरा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, क्योंकि आपका जो कैरेक्टर है उससे ज्यादा गिरा हुआ कैरेक्टर कोई हो ही नहीं सकता है। अंडरस्टैंड? आई लाइक इट, कैरेक्टरलेस। आया बलखान, ये हंस तो दाना चुग रहे और कौवे मोती खा रहे। अटेका तू का बोल रहे हो यार, मुंह की समझ में कुछ ना आ रहा है। अरे यार ये तिवारी भैया सकल ना सूरत हीरो बन के बैठे हुए और अपन दोनों जैसे हैंडसम लौंडे जो है ना छुट्टे सांड की तरह घूम रहे। ठीक है एक बात बताऊं, मैं सोच रहा हूँ कि विभूति भैया के पास जाकर ना फिल्म में काम मांग लेते हैं उनसे। यार मुझको लगता नहीं कि ऐसा हो पाएगा, लेकिन फिर भी स्ट्रगल मार लेते क्या बुरा है। हाँ सही बोल रहे है ना, चल टीका विभूति भैया। अल एक सीन तो यहाँ, सामने से हटो यार, एक सीन तो यहाँ बनता है, सामने से हटो, फ्रेम में आ रहे हो तुम्हें। यहाँ पे हीरो आता है, यहाँ से मैं पुल बैक करता हूँ, यहाँ से वो चाय लेता है, चाय लेने के बाद वो यहाँ बैठता है, जिसे चाय पीने लगता है, पीछे से हीरोइन आती है उसे दबोच लेती है और यहीं पर ही कट। विभूति भैया नमस्ते। अच्छा नमस्ते। ये भैया थोड़ी है, ये तो बहुत बड़े डायरेक्टर है, सर बोलो इनको। हेलो सर। इट्स ऑल राइट। हेलो सर। चमचागिरी मत करो, काम की बात सुनो। आप बोलो सर। बैठ। तो सॉरी सर। हेलो अनु, देखो क्या है कि मैं एक फिल्म बना रहा हूं और उसमें तुम्हें मैं एक रोल देना चाहता हूं। क्या बात कर रहे हो सर? सर आपने तो मेरे बचपन को सपनों पूरा कर दिया। ये लो 1,000 तुम्हारे और 1,000 तुम्हारे, ये एडवांस है, बाकी 1,000-1,000 फिल्म पूरी होने के बाद। सर वैसे हमरो करेक्टर का है? तुम्हारा करेक्टर जो है वो बहुत ही गिरा हुआ घटिया और लीचड़ किस्म का करेक्टर है। भैया जी ना ना, जेटी का जे पूछ रहे हैं कि फिल्म में हमारा कैरेक्टर का होगो। तो उसी की बात कर रहा हूँ, उसी की बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है भैया, जे बता दो कि फिल्म में हमारा का रोल होगो। क्रीम रोल, ड्रीम रोल। सक्सेना जी बैठे काम कर रहे हैं स्क्रिप्ट के ऊपर, अब जाके उनसे अपना रोल सुन लीजिए। ऑलराइट कौन गाइस, चीयर अप, गो गो गो। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया। थैंक यू सर, सॉरी।
हीरो बनो है, हीरो बनो है। बना 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 कट। अरे डायरेक्टर साहब, तुम इतने बैठे महाराज और हम तुम्हें सुबह सुबह से ढूंढ रहे हैं। क्यों, आपको भी मेरी फिल्म में रोल चाहिए क्या? एक्चुअली मेरी फिल्म में एक रोल है आपके लिए, बड़ा ही आउटस्टैंडिंग रोल है, एक दरबान का जो कि हमेशा भारी खड़ा रहता है। अच्छा, तो मतलब सदर अब हकीकत को दरोगा तुम्हारी ये सड़ी गली फिल्मन में दरबान को रोल करेगा? माफ कीजिएगा, आपकी शक्ल ही कुछ ऐसी है, आपको इसी टाइप के रोल मिलेंगे। आई एम सॉरी। तुम यार सुनो जी, तुम्हारी रोल वोल गए घुइया के खेत में, हमें तुम्हारी फिल्मन में रोल वोल नहीं चाहिए। तो घुइया चाहिए फिर? घुइया भी लेंगे। तुम पहले जो बताओ हमें कि तुम ये फिल्में विल्में जो बना रहे हो वे कौन की इजाजत से बना रहे हो? माफ कीजिएगा, मुझे किसकी इजाजत की जरूरत पड़ेगी बताइए जरा। महाराज हमारी इजाजत की जरूरत पड़ेगी। और आप कौन है, क्या बेचते हैं आप? आप यहाँ की क्या सूचना प्रसारण मंत्री हैं? मंत्री तो नहीं है, लेकिन हम जाए इलाका के दरोगा हो रहे हैं। दरोगा हो तो दरोगा ही करो, हम फिल्म वालों से तुम्हारा क्या मतलब है यार? कैसा नहीं है मतलब है? कैसा नहीं है मतलब? तुम फिल्म की शूटिंग करोगे, बस शूटिंग करने के लाने तुमने पुलिस की इजाजत ली है? नहीं तो ये सब तुम्हारी शूटिंग शटिंग है ना, सब गई गुंजा के खेत में। अरे सीधे बोलिए कि आपको निछावर चाहिए, इतना रायता क्यों फैला रहे हैं? महाराज तुम रायतो फैलवा रहे थे तो हम फैला रहे थे, वरना तुम्हें हमारी एंट्री पे ही समझ जाने थी काम की बात। मुंह खोलिए। 10,000? 5,000। यार तुम ठीक है, अपनी आदमी हो, 9,000 रुपया। फिलहाल ये 500 बचे हैं मेरे पास, अगर चाहिए तो ले लीजिए। ठीक है, तुम भैया विभूति अपनी आदमी हो, हम रख लेते हैं। ये ढोंग मत करिए ना, हमारा खून भी चूसते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि तुम अपने आदमी हो। चाय पियेंगे? चलो यार, तुम अपने आदमी हो तो फिर चाय पिलवा दियो। पैसा दो और चाय पी लो। तो सबसे लीचड़ आदमी है जब मोहल्ला को, तो पहला हम देंगे पैसा। ससुर कौन सी पैसा, मर गए का? Well, thank you for coming and shall we start the workshop? हाँ शुरू कीजिए। ठीक, alright. तो इस सीन में हम दिखाते हैं कि डूमर किसान बड़ी बुरी हालत में घर लौटता है। आज जमींदारनी ने उससे बड़ा बेतहाशा हल चलवाया है और घर पर उसकी छोटी बहन कटोरी उसका वेट कर रही है। अनु, यू प्लेइंग कटोरी। वाओ ग्रेट। ये भाभी जी हमारी बहन कैसे हो गई? यार फिल्म में आपकी बहन है, डूमर किसान की बहन है वो। ओके, हाँ, तो जब दुमर की बहन जब दुमर को इस हालत में देखती है तो उसकी चीख निकल आती है। उसकी चीख की आवाज सुनकर जो उसकी दुमर की वाइफ है अंगूरी बेडरूम से बाहर आती है। भाभी जी, आप दुमर की वाइफ प्ले कर रही हैं। मैंने नाम नहीं बदला बिकॉज आई लव द नेम। तो अब दुमर की वाइफ अंगूरी और लेखू बेडरूम के बाहर आते हैं। एक मिनट, ये जो लेखू है ये धूमर की पत्नी के साथ बेडरूम में क्या कर रहा था? वही जो दो प्रेमी करते हैं, दरअसल मैं और भाभी जी दो प्रेमी हैं। अरे क्या कह रहे हैं प्रभुति जी? भाभी जी ये फिल्म है, इस फिल्म में एक फ्रेंडली अपीयरेंस कर रहा हूँ जो आगे जाके बहुत ओवर फ्रेंडली हो जाता है। जैसे भाई जैसे हिचकॉक और सुभाष घई अपनी फिल्मों में करते हैं, जिस तरह गेस्ट अपीयरेंस। अरे माफ कीजिएगा, ये स्टोरी हमारे कुछ समझ में नहीं आ रही है। परेशानी अमाउंट वापस कीजिए, मैं किसी और को ले लेता हूँ। भैया जी मोए बना दो हीरो। नहीं नहीं ठीक है, धीरे धीरे शायद समझ लेंगे। बेटा जारी रखिए। तो कटोरे की चीख सुनकर दुमर की वाइफ और लेखू हाँफते हुए बेडरूम से बाहर आते हैं। लेखू एक समझ लीजिए कि वो दुमर का एक फेलो किसान है ना, दे वर्किंग टुगेदर बडीज।
और इतने में जमींदार नहीं अपने दो गुंडों के साथ आती है, टीका और मलखान के साथ, और धूमर को उठा के ले जाती है हल चलवाने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट द वर्कशॉप नाउ, राइट? स्टार्ट। इस जमींदारनी ने तो हल चलवा चलवा कर हमारा दम ही निकाल दिया है। कमजोरी आ गई है। आ भैया, भैया, भैया क्या हुआ तुम्हें भैया? अनु थोड़ा अंडर करो, तुम बहुत ओवर कर रही हो यार, अंडर करो। देखो कटोरी। बहन बोलिए, बहन बोलिए, बहन। अरे यार बहन 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 के आगे कटोरी लगा, ये कोई डबल मीनिंग फिल्म नहीं चल रही है यहाँ पे। अरे यार बहन कटोरी। भैया भैया तुम्हारी क्या हालत हो गई है भैया, तुम सूखे कांटा हो गए हो चमरखी। बहन ये उस जमींदारिन के बंजर जमीन पर बेहिसाब हल चलाने से हुआ है। I'm saying. भैया तुम्हारी अपनी जमीन खाली पड़ी है और तुम अपनी जमीन को छोड़कर किसी और जमीन पर हल चला रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी जमीन पर कोई और हल चला जाए। कटोरी जी चला जाए ना ही, इनकी जमीन पर लेखू हल चला चुका है। भाभी जी इसमें फील लाइए, थोड़ा सा और फील लाइए, मीन एडवेंचरस राइट? हाँ थोड़ा फील से बोलिए। चला जाए ना ही, इनकी जमीन पर तो लेखू हल चला चुका है। भाभी जी फीलिंग के साथ बोलिए, आई कांटेक्ट करके बोलिए, यू बीन एडवेंचरस राइट? से इट, कम ऑन। चला जाए ना ही, इनकी जमीन पर तो लेखू हल चला चुका है। यस That's the grain I'm looking for. चलिए। लेखू तू तो हमारा दोस्त था, तूने हमारी जमीन पर ही हल चलाया। लेखू जब भी खाली जमीन देखता है तो हल चलाने के लिए मजबूर हो जाता है। क्यों अंगूरी, क्या बोलती हो? हाँ लेखू तुम बहुत अच्छा हल चलाते हो। वाओ भाभी जी वाओ, एक बार और बोल दीजिए प्लीज। लेखू तुम बहुत ही अच्छा हल चलाते हो। नहीं नहीं नहीं, I'm sorry भाभी जी। आप लेखू को देख के बोलिए, हल किसने चलाया, किसने चलाया? लेखू ने। तो लेखू को देखिए ना, लुक एट लेखू, लेखू वांट्स टू लुक एट यू, कम ऑन सर। हाँ लेखू तुम बहुत ही अच्छा हल चलाते हो। डूमर, डूमर, तेरी इतनी हिम्मत कि तू आज बिना हल चलाए ही चला गया? हम तेरी सांसें भी तुझसे छीन लेते हैं। पकड़ लो इसको। चल साले, जब तक तेरी सांस चलती रहेगी तब तक हुकुम की जमीन पर तेरा हल चलते रहेगो। यार डूमर, अगर तेरा हल रुकाना तो हमारे हाथ पांव चलेंगे, हाथ पांव चलेंगे, हाथ पांव। वेरी गुड, वेरी गुड। अबे तुम अपने हाथ पांव चलाने से अच्छा है कि अपना ही हल चला लो। हम तुझसे पहले हल चला के रिटायर हो चुके हैं। ले चलो सारे को। गुड, इसके बाद एक मिनट बेबू, जस्ट वन मिनट। ये मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है,
तुम पूरी फिल्म में हली हल चलवा जा रहे हो और तुमने फिल्म का नाम रखा है डिसेंट प्रपोजल। व्हाट इज ऑल दिस? क्या है ये? इसीलिए दैट्स द रीजन मैं तुम्हें अपनी फिल्म में अवॉइड कर रहा था। तुम्हारी जो नेचर है डोमिनेटिंग नेचर, मुझे मालूम था तुम मेरी क्रिएटिविटी को हैम्पर करोगी एंड यू आर डूइंग इट। यही तो फिल्म का सस्पेंस है। आई मीन व्हाई यू वांट टू नो द सस्पेंस ऑफ द फिल्म? तुम क्या चाह रही हो कि मैं इस फिल्म का सस्पेंस बता दूं ओपनली? नाउ ये कमाल का सस्पेंस है, हमारे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब अरबोते जी हमारी समझ में भी कछु नहीं आ रहा है। अरे पगली, जब हमारी समझ में नहीं आ रहा तो तुम्हारी समझ में कैसे आएगा? तुम भी कमाल करती हो। लेकिन हमारी समझ में अच्छी तरह से आ गया है। I like it. Easy boy, easy, easy, easy. Calm down, calm down. Calm down. Vibhuti. अबे यार कहाँ है तेरा वो बंदा खुसटिया यार, सुबह से फोन लगा रहा हूँ उठाते ही नहीं। अबे वो कहाँ से उठाएगा, वो तो जेल में है। जेल में? हाँ, वो अरेस्ट हो गया है, उसने एक बैंक लूटा। तो कह रहा था साले कि उसके वो तेल के कुएं हैं। अरे यार उसने मुझसे भी यही कहा था, लेकिन बाद में पता चला उसके तेल के तो क्या साले के पानी के भी कुएं नहीं है। क्या बात कर रहा है यार, तो उसने वो पैसे कहाँ से दिए? उसने बैंक लूटा था ना, उसमें से ही तुझे पैसे दिए। क्या बात कर रहा है यार। ठीक कह रहा हूँ मेरे यार, अब तो पुलिस उन्हें भी अंदर डाल रही है जिसको उसने पैसे दिए। क्या बात कर रहा है। हाँ। उसने मुझे दिए ना पैसे, वो 20,000 रुपए। अरे विभूति भैया कहाँ फंसा दो हमको? क्यों क्या हुआ? अरे आपने जो हमको पैसे दिए थे ना है, वो बैंक से चुराए हुए नोट थे, पुलिस हमको ढूंढ रही है। विभूति तू भी भाग ले वरना 2-3 साल के लिए तू भी अंदर हो जाएगा। नरौरा से भागी हुई भाभी धर्मपुर में बरामद हुई और साथ में वो नौकर भी पकड़ा गया जो भाभी जी को भगा के ले गया था। ये लो भाई, यहाँ नौकर भाभियों पे हाथ साफ कर रहे हैं और हमारे जैसे लोग यहाँ तरस रहे हैं। अलडू के भैया अब ब्रेकफास्ट रेडी बा। ईंटों का नाश्ता कराओगी क्या बगली? अरे नहीं नहीं, हम सुबह के नाश्ते की बात कर रहे हैं। अरे तो वो ब्रेकफास्ट नहीं ब्रेकफास्ट होता बगली। सही पकड़े हैं। अभी जी क्या लग रही हैं? सुबह का नाश्ता रेडी बा। अरे तो कर लेंगे अब, इतनी जल्दी भी क्या है, हमारे सुबह तो अब हुई है। अरे आपको जल्दी नहीं है साहब तो हमको करवा दीजिए ना। क्या करवा दीजिए बे? नाश्ता साहब, नाश्ता करवा दो। तू कौन, हमारे रिश्तेदार है क्या? भिखारी है साहब। भिखारी है? अभी तो इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है जैसे तू हमारा कोई रिश्तेदार है। अरे रिश्तेदार नहीं है साहब, लेकिन मान लो ना बहुत जोर से भूख लगी है साहब, कुछ खिला दो साहब। गुर्दे खा ले, ले खा ले, हमारे गुर्दे ले। लेकिन साहब हम तो प्योर वेजिटेरियन है, कैसे खा ले? तेरी भैया ये क्या कर रहे हैं, वो बेचारा भूखा है। भूखा है तो लंगर खोल ले। ऐसा ना ही कहते, अम्मा जी कहती है कि अगर कोई भूखा हमारे दरवाजे पर आए तो उसको भूखा ना ही भेजते। अरे जी कितने कमीने आदमी है भाई गॉड, ये गरीब को 2 रोटी खिलाने में इनके गुर्दे छिल रहे हैं। भाभी जी को देखो कितनी दयालु बेचारी, कितनी दयालु।
अंगूरी ऐसे तो दिन रात जो है वो हमारे दरवाजे पर हजारों भिखारी आते हैं, अब सबको खिलाती रहे तो खुद भूखी रह जाओगी ना पगली। ऐसा नहीं है, अब हम जब किसी भूखे का पेट भरते हैं ना तो ऊपर वाला हमको और देता है। और देता है, ये सब किताबी बातें हैं, समझा करो। अच्छा लड्डू के भैया, अगर आप उसको कुछ खिलाना ना ही चाहते तो आप उसको कछु पैसे दे दीजिए ताकि वो बाहर जाकर खा ले। अरे यार तुम ये दानवीर करण की वो लेडी वर्जन टाइप का है हो रही हो। कछु दे दीजिए ना, आपको हमरी कसम। तुम भी ना इधर आ। बड़ा खा ले कुछ जा। बड़े भैया ये लो। आप ना बड़े भैया, हम सभी बड़े वाले भिखारी हो। भाभी जी हमको तो बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि आप इस भिखारी के साथ रह कैसे रही हैं। भिखारी पना में तो ये हमारे सीनियर हैं। एक बात कहे लड्डू के भैया। अब बोलो पगली। आप बहुत अच्छे हैं, हमसे बहुत प्यार भी करते हैं, पर ये जो आपका कंजूसी पना है ना, ये हमको बिल्कुल ना ही पसंद है। ऐसा क्या हो गया पगली? माफ कीजिए लड्डू के भैया, पर ये जो हमको ना मक्खी चूस लोग बिल्कुल ना ही पसंद है। हमको वो लोग पसंद है जो दानवीर होते हैं, वो लोग पसंद है जो भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, जो दानवीर होते हैं। ठीक है पगली, तो फिर हमसे शादी काहे की? किसी दानवीर करण टाइप के आदमी से कर लेनी चाहिए थी ना। भाभी जी दिल थाम के बैठिए, मोहल्ले में दानवीर आ गया।